घंटे का हादसा और क्या हुआ? आधे घंटे पहले हम लोग शोरूम के अंदर ही खड़े थे, तीन लड़के आते हैं अंदर, गाड़ी पूछते हैं मालिक कौन है, ये है। मेरी तरफ उन्होंने गन पॉइंट करी, यही है, और गोली चला दी। पता नहीं कैसे शीशे का दरवाजा बंद हो गया, शीशे का दरवाजा बंद होते ही वो गोली शीशे पे लग गई। शीशे पे लगते ही मैं भागा ऊपर की तरफ, तो जहां जहां मैं भागा हूँ इस बिल्डिंग में, वहीं वहीं उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, पूरी की पूरी बिल्डिंग में। जहां जहां मैं भागा वही खून निकल रहा है, लगा हुआ है। तो क्या इससे पहले कोई धमकी आई है? कोई फोन नहीं, कोई फोन नहीं आया, कोई धमकी। आप इस शोरूम में कितने लोग यहाँ पर? आप इस शोरूम के अंदर यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 लोग काम करते हैं, लेकिन पार्टियां भी थी कम से कम, जिसमें से एक पार्टी तीन बच्चों के साथ थी, उसके भी पेट में कुछ हुआ है। अब वो कांच लगा है, गोली लगी है, अभी क्लियर नहीं है, उसके घर वाले हॉस्पिटल ले गए। आपका ये शोरूम मैं देख रहा हूँ काफी सालों से चल रहा है, तो आज तक किसी तरीके की कोई धमकी या कोई? नहीं भाई साहब, ना हमारी किसी से लड़ाई, ना कोई धमकी, ना कोई थ्रेट, कुछ नहीं था।